स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेसन। नाउ लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज। और जो टोकरियां बेच रहे थे वो बच्चे इन शरणार्थियों के ही पुत्र और पुत्रियां थे, बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। वे और उनके जो पेरेंट्स थे और रिश्तेदार थे वो शहरों में इकट्ठे हो गए थे, और जो छोटी खुली दुकानें लगाकर और कुछ स्टॉल्स लगाते थे और वो कुछ साधारण छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर वे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजार में उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाने की चेष्टा कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट। और वो कहाँ पर थे? कपड़े और घास के बने हुए छायादार जो किनारे किनारे पर जो लगा लेते हैं स्थानों पर, वो उन्होंने क्या लगा लिया? लाइन स्ट्रीट मतलब सड़क के किनारे किनारे पर घास की या कपड़े के उन्होंने शेड बना लिए, अपने घर बना लिए थे। द पीजेंट एमोंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम फॉर एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर। और जो किसान थे वे थोड़े से में ही गुजारा करने के हैबिचुअल थे। एकस्टम्ड कहते हैं हैबिचुअल होना, मीन्स अभ्यस्त होना, क्योंकि एक कृषक फैमिली की जो वार्षिक आय थी वो औसतन $100 से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents ए डे और लेस देन $2 ए वीक। और एक औसत दर्जे का जो अनस्किल्ड लेबर जो है 3 cents प्रतिदिन या $2 से कम एक सप्ताह में कमाता था। देयर इज वन मील अ डे एन ऑनियन अ पीस ऑफ ब्रेड ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज। उसमें से एक दिन के भोजन में भी जिसमें उन्हें क्या मिलता था? एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा मतलब एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल, और शायद क्या बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर ही प्राप्त हो पाता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नॉट फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। और ना तो उन्हें चाय, कॉफ़ी, तेल, घी, मिठाई और मांस, ये इसकी तो बात है ही नहीं, मतलब ये तो मिलती ही नहीं थी। पर $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। अब $100 कहते हैं, डॉलर जो अमेरिका की मुद्रा है ये, तो $100 $100 हर साल $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी उन लोगों को नहीं पड़ पाते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। अब तो भी जो लोग थे टोकरियों को भी खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं था, और उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना बहुत कठिन था, क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि वो उनको कैसे खरीद पाते थे, कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा गरीब थे अपना पेट भर भोजन ही कर पाते थे, तो उनकी टोकरियां कहाँ से खरीदें।
That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. और निशंदेह यही कारण था कि ये जो बच्चे थे वो मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे. आई एन अमेरिकन बास डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन. और जबकि मैं क्या था, अमेरिकन, और उनके लिए मैं क्या था, निशंदे एक प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग कहेंगे एक तरह से कि विश्वसनीय दुकानदार उनके लिए था. इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा सब माल खरीद ही लेंगे और सब के सब इसलिए उसके ऊपर टूट पड़े. आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास, एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, ए ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, ए लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू अ पीस. मैंने एक छोटी सी कुछ आनों में एक छोटी सी बास्केट खरीदी. यहाँ आना जो है एक मुद्रा है और वो क्या है, उस समय एक छोटा सिक्का था. अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उस समय आना के रूप में एक सिक्का चलता था, उसे आना बोलते हैं. और एक फ्रूट बास्केट खरीदी मैंने, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर रद्दी रखने के लिए, रद्दी कागज़ रखने के लिए, और एक मैंने सिलाई का सामान रखने के लिए एक टोकरी खरीदी, और कुछ फैंस मैंने खरीदे. एक एक दो दो आना, एक एक दो दो आना में मैंने क्या खरीदे, कुछ पंखे खरीद लिए. माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स. और उससे क्या हो गई, इतनी सारी चीज़ें मैंने खरीदी तो मेरी बाहें भर गईं और मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए. द चिल्ड्रन पास्ड इन साउटिंग देयर वेयर्स. और जो बच्चे थे वो अपने अपने सौदे की आवाज़ें लगाते हुए आते चले जा रहे थे. आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स. ये जो आई वॉज अ प्रिजनर, ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और लास्ट वाली जो वो पैसेज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड. अब मैं क्या हो गया था, पूरी तरह से घिरा हुआ और अनेबल टू मूव, आगे बढ़ने में भी असमर्थ था. और एक कैदी की तरह, जैसे कैदी इधर से उधर, कैदी के समान में हो गया था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव, और जो एग्रेसिव कहते हैं एकदम से आक्रामक स्वभाव के, डिलीजेंट कहते हैं परिश्रमी. तो मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने क्या देखा कि सबसे अधिक मेहनती और आक्रामक स्वभाव वाली जो लड़की थी, जो अपना माल बेच रही थी, वो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी. और वो कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की लगभग थी. शी हैड अ लवली बास्केट, और बहुत सुंदर सी विद अ हैंडल, हैंडल वाली बास्केट उसके पास थी. शी वॉन्टेड ए रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो उसके लिए जो बेच रही थी बास्केट, उसके लिए 1.5 डेढ़ रुपया या लगभग 3 सेंट्स मांग रही थी. सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और प्लीडर कहते हैं प्रार्थना करने वाली, याचना करने वाली. तो बहुत ही ज़्यादा अर्नेस्ट कहेंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा लगन में लगी हुई थी
ईमानदारी के साथ, लगन के साथ। तो अर्नेस्ट प्लीडर लग रही थी वो, सबसे उस जो याचना कर रही थी, वो जो बोल रही थी, वो सबसे ज़्यादा उसकी थी, अर्नेस्ट प्लीडर थी वो। देयर वर टीयर्स इन हर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स एंड वुड रिंग एनी हार्ट, और जो अपने जो बोल रही थी, विनती जो कर रही थी, याचना वो कर रही थी, वो इतनी अच्छी तरह से कर रही थी, किसी का भी हृदय भाव विभोर हो सकता है, किसी का भी हृदय उसमें द्रवित हो सकता है। माई आर्म्स वर फुल, लेखक कहता है कि मेरी बाहें क्या हो गई थी, भर गई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर एनदर बास्केट्स, अब मेरे पास कोई जगह नहीं थी और ना ही मुझे दूसरी बास्केट खरीदने की ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। इम्प्लोरिंगली कहते हैं अर्नेस्टली रिक्वेस्टिंग करना, मतलब प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना के साथ साथ कहना। तो वो कहता है कि बैलेंसिंग करते हुए मीन्स अपनी बाहों पर, अपनी जो बाहें थी, कौन सी बाहें, बाई तरफ सारी टोकरी और पंखे को साधते हुए, बैलेंस करते हुए, मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला, राइट कोट की पॉकेट में हाथ डाला, और उसमें से मैंने रेजगारी निकाली, मुट्ठी भर रेजगारी निकाली, और मुश्किल से उसमें 15 सेंट्स होंगे, विच आई डिपॉजिट, जो डिपॉजिट मीन्स रखना या जमा करना, और उसको मैंने उस लड़की की बास्केट में रख दिया, जो कि वो क्या कर रही थी, मेरे सामने अर्नेस्ट प्लीडिंग कर रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, तो वो कह रहा था कि उसे जो टोकरी में उसने जब डाले, तो वह नन्ही सी बालिका थी, वो सामने खड़ी हुई थी, और मैं उसे समझाना चाह रहा था कि मैं तुम्हारी टोकरी को नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने उसके स्थान पर तुम्हें कुछ उपहार के रूप में थोड़ी सी धनराशि दे दी है। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, अब उसके लिए रियलाइज हुआ, उसी समय तुरंत ही मुझे अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि मैंने कोई ऑफेंस, कहते हैं अपराध करना, कि शायद मैंने कोई अपराध कर दिया हो। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन रेज्ड इन टू द बास्केट एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस 9 वर्ष की बालिका ने, जो कि कपड़े कैसे पहनी हुई थी, रैग्स थे, कपड़े फटे हुए पहने थे, और एज ऑफ स्टारवेशन थी, मतलब भुखमरी की कगार पर थी, मतलब उसके पास कुछ नहीं था, तब भी उसने अपने चेहरे को एकदम से प्राइड के साथ और ग्रेसियसनेस के साथ ऊपर उठाया, और उस टोकरी में उसने हाथ डाला, जिस टोकरी में उसने रुपए डाले थे, और उसने पूरे गर्व के साथ, प्राइड एंड ग्रेसियसनेस के साथ वो पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू,
अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा उसकी हेल्प करने का, केवल एक ही चारा था, वो क्या था, उसकी मैं बास्केट खरीदूँ। अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था, है ना। आई बॉट द बास्केट, उसकी बास्केट को खरीद, तो इसलिए मैंने उसकी बास्केट को, आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी बास्केट को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आईज, फिर उसने जैसे ही बास्केट खरीदी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और वो मुस्कराई तथा घास की जो झोपड़ियाँ थीं वो जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म के सामने दौड़ती हुई वो चली गई। सामने प्लेटफॉर्म के सामने झोपड़ियाँ थीं उस तरफ वो चली गई थी, जहाँ पर उस रात उसके पास कम से कम कितने मिले हुए थे, 30 सेंट्स के लगभग मिले होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यही कारण था जिससे मैं भारत को प्रेम करने लगा था। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द ब्लेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड ए लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। ये जो पैसेज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो द पीपल, उन्होंने बताया कि जो लोग मैंने भारत में देखे थे, दोज इन ब्लेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, चाहे वो गांव में रहने वाले हों या फिर शहर में या उच्च पदों पर हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। डिसेंसी कहते हैं गुड मैनर्स, लिवली सेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो वो गर्व और अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और नागरिकता के प्रति एक उनके अंदर एक उत्सव वाली फीलिंग थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र भावना भरी हुई थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर कहते हैं डर्टी कंडीशन एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स हैव गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया। ये वह जो सुंदर सी जो लड़की थी, 9 ईयर्स गर्ल थी, वो सुंदर सी बालिका, वो क्या थी, गंदे कपड़े में थी, मतलब गंदे स्थान पर रहने वाली, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और निर्धनता में पैदा हुई थी, गरीबी में, और अनएजुकेटेड थी, दोनों ही तरीके से थी, मैनरली और ग्रामेटिकली तरीके से, मींस व्याकरण में स्कूली शिक्षा भी नहीं थी और ना ही उसके अंदर मैनर्स थे, शिष्टाचार था, मैनर्स थे, दोनों ही तरह से वो अशिक्षित थी। उसने हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स कहते हैं झलक, है ना, उसने मुझे भारत की एक बॉर्न सोल, बॉर्न सोल कहेंगे एक तरह से एक जीवंत जो जो आत्मा है, जो भारत की जो ज्वलंत जो झलक है वो उसने मेरे लिए दिखाई है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।